हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का इस ब्रांड न्यू वीडियो में। तो भाई फाइनली हम साइड क्वेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जून महीने की वर्जन 31.1 में जो साइड क्वेस्ट आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। बाकी क्या क्या नया आ रहा है उसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप चेक कर सकते हैं। वैसे अपडेट अभी आ चुकी है, सबने ऑलरेडी डाउनलोड भी कर ली होगी। तो चलिए बात करते हैं कब से शुरू हो रही है। तो आज से शुरू हो रही है 2 जून से 17 UTC यानी कि इंडियन टाइम के हिसाब से आज रात के 10:30 बजे शुरू हो जाएगी और ये भाई चलेगी 7 जुलाई तक। अब क्वेस्ट की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। काफ़ी लंबी चौड़ी पोस्ट है लेकिन जो मेन मेन चीज़ें हैं मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो भाई इसमें क्या है, हर हफ्ते जैसे हर साइड क्वेस्ट में आजकल हो रहा है, हर हफ्ते आपका एक चैप्टर अनलॉक होगा। एक चैप्टर आज का आपका आज ही अनलॉक हो जाएगा, 2 तारीख को, 1-9 को होगा, फिर 16 को, फिर 23 को, और जो 5वां हफ्ता है वो आपको स्पेयर टाइम मिलेगा जिसमें आप कंप्लीट कर सकते हैं इनको। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है, जो भी कारण है, आप बाद में करना चाहते हैं एक साथ, तो आप वीक 5 में कर सकते हैं। अब बेसिकली इसका डिज़ाइन क्या है, मेन फ्लोर फिर बेसमेंट, ये जो है बिल्डिंग एक बिल्डिंग की तरह होगी और ये बिल्डिंग ऊपर नहीं है, नीचे की तरफ जा रही है, हेल की तरफ, कॉमिक्स में जैसे होता है उसके हिसाब से ये इन्होंने डिज़ाइन करी है क्वेस्ट। और ये चार यहाँ पे जो फोटो दिए हुए हैं, 4 बोसेज होने वाले हैं मेरे ख्याल से हर हफ्ते की क्वेस्ट का। अब इस क्वेस्ट में है क्या, इस क्वेस्ट में 7 पाथ हैं। अब यहाँ पे इन्होंने देखिए थोड़ा बताया हुआ है, इसमें बताता हूँ मैं आपको इस क्वेस्ट में यहाँ पे होने क्या वाला है। शुरू में यहाँ पे आपको 2 पाथ्स दिखेंगे, एक पाथ ओपन रहेगा और एक पाथ रहेगा ब्लॉक। अब ये जो ब्लॉक वाला पाथ है आप इस पे जा नहीं सकते, इस पे जाने के लिए आपको चाहिए एक चाबी। अब ये चाबी कैसे मिलेगी इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन जो ये दूसरा पाथ है आप इस पे जा सकते हैं, आप एंट्री लेंगे दूसरे पाथ पे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अलग अलग इस क्वेस्ट में 7 पाथ होने वाले हैं, तो आप चुन नहीं सकते कि आपको किस पाथ पे जाना है। अगर आप बिना चाबी वाले पाथ पे जाएंगे तो आप चुन नहीं सकते। और यहाँ पे एक चांस सीट का ऑप्शन आप देख सकते होंगे, आपको चांस लेना पड़ेगा और ये गेम के ऊपर है वो आपको किस पाथ पे लेके जाता है, किसी अच्छे रिवॉर्ड वाले पाथ पे लेके जाता है या किसी बुरे रिवॉर्ड वाले पाथ पे लेके जाता है। ज़्यादातर तो बुरे रिवॉर्ड वाले पाथ पे जाने वाले हैं, सबको पता है। तो भाई यहाँ पे 7 पाथ होने वाले हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं, कुछ लिमिट्स भी हैं इस क्वेस्ट की। क्वेस्ट की लिमिट क्या है कि एक तो आपकी एंट्री लिमिट जो है हर हफ्ते की क्वेस्ट के लिए लिमिटेड है, यानी कि आप सिर्फ 7 बार ही एंट्री ले सकते हो पर डिफ़िकल्टी, यानी कि 7 बार आप लेजेंडरी खेल सकते हो एक हर चैप्टर में। चैप्टर 1 जो है उसे भी आप 7 बार खेल सकते हो, 7 बार ही लेजेंडरी में, 7 बार ही हीरोइक में, 7 बार ही एपिक में, पर डिफ़िकल्टी है, 7 बार आप सारी डिफ़िकल्टी खेल सकते हो अगर आप चाहते हो तो। और दूसरी जो ये है, इसमें सिर्फ आप 3 ही चैंपियन लेके जा सकते हैं, सिर्फ ये 2 यहाँ पे इन्होंने जो है कुछ लिमिट रखी है। और बाकी अगर आप बीच में ही क्वेस्ट अपनी छोड़ देते हो, कंप्लीट नहीं करते किसी कारण से, एग्जिट कर लेते हो, तो भाई आपकी एंट्री जो है वो चली जाएगी और वो वापस आपको मिलेगी नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको बीच में एग्जिट नहीं करना है। तो ये तो हो गई एक पाथ की बात जो ओपन रहेगा। और जो दूसरा ब्लॉक वाला पाथ है, इस पर आपको की चाहिए होगी, तो एक की आपको मिलेगी कहाँ से, बेसिकली इस की को ये बोल रहे हैं कैसल स्केलेटन की। टोटल आप सिर्फ 4 ही कमा सकते हैं सोलो ऑब्जेक्टिव से, और ये यूनिवर्सल कीज है, किसी भी डिफिकल्टी में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एपिक में चाहते हैं एपिक में, लेजेंडरी में चाहते हैं लेजेंडरी में। और इसका फ़ायदा ये होगा, अगर आप ये की वाले पाथ पे जाते हैं तो आपको फिर चांस हिट नहीं करना पड़ेगा। आप रिवॉर्ड देखिए पहले कि कोई रिवॉर्ड ऐसा है जो आपको चाहिए, सबसे अच्छा रिवॉर्ड जो आपको लग रहा हो कि भाई भाई मुझे ये चाहिए ज़रूर, तो आप की वाले पाथ पे जाइए, अपनी की इस्तेमाल करिए और अपनी मर्जी का पाथ फिर आप चुन सकते हैं, अपनी मर्जी वाले पाथ पे, जिस पाथ पे आप जाना चाहें उस पाथ पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे सोलो ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पे इन्होंने बताया कि की आपको मिलेगी कैसे, तो एक की आपको तब मिलेंगे जब आप जो है फाइनल बोसेस हरा देंगे मेन फ्लोर के, बेसमेंट के, कैटाकॉम्स की, यानी कि हर हफ्ते आपको बोस हराना पड़ेगा जो क्वेस्ट आएगी, उसके बाद आपको जो है एक एक की मिल जाएगी। और किसी भी डिफिकल्टी में आप बोस हरा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है लेजेंडरी में ही हरा है, आप एपिक में भी हरा सकते हैं। यूज़ कैसे कर सकते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप की वाले पाथ पे आपको जाना है, यहाँ पे आपकी जो की है ये यूज़ हो जाएगी ऐसा। यहाँ पे देखिए इन्होंने अनलॉक गेट का ऑप्शन आएगा, ये आपको बोलेगा कि भाई आप अपनी की इस्तेमाल करना चाहते हो, बताओ ओपन करें इस गेट को या नहीं। तो आप ओपन गेट पे क्लिक करेंगे तो आपकी एक की यूज़ हो जाएगी और आप उस पाथ पे चले जाएंगे, फिर आप चुन सकते हैं कि हमें कौन से रिवॉर्ड चाहिए। बाकी गेट की रिटर्न हो जाएगी अगर आप बीच में एग्जिट कर लेते हैं, लेकिन आपकी एंट्री जो है वो रिटर्न नहीं होगी, साथ ही आपकी एंट्री है पर डिफ़िकल्टी, तो थोड़ा आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये होगी सारी साइड क्वेस्ट की बातें। अब इसमें यहाँ पे जो है ये क्या क्या आपको मिल सकता है पाथ पे, तो ये पूरी एक यहाँ पे इन्होंने टेबल दी हुई है। लेजेंडरी की बात करें तो आपको 2% वाले टायर 5 के क्लास कैटेज फ्रेगमेंट्स मिल सकते हैं, 6-स्टार हीरो शार्ट्स मिल सकते हैं, 1,000 5-स्टार के शार्ट्स मिल सकते हैं, 5,000 ऐसे ही। अगर हम एपिक की बात करें तो यहाँ पे आपको 500 6-स्टार के शार्ट्स मिल सकते हैं, 1,000 जो है 5-स्टार के हीरो क्रिस्टल शार्ट्स मिल सकते हैं।
तो ऐसे आपको ये अलग अलग पाथवे, अलग अलग रिवॉर्ड ये हो सकते हैं। और बाकी आप जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपको यहाँ पे आयरन टूम क्रिस्टल शार्ड्स मिलेंगे, अलग अलग एपिक में 250 मिल रहे हैं और यहाँ पे लेजेंडरी में 300 मिल रहे हैं। तो ये तो होगी जो आपको पाथवे मिलने वाले हैं, और ये हो गए आपके सोलो ऑब्जेक्टिव्स। सोलो ऑब्जेक्टिव्स में ये आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं। अगर आप लेजेंडरी करते हैं तो आपको T12, 45 बेसिक, 6 स्टार हीरो क्रिस्टल शार्ड, 1000 और टायर 5 के क्लास कैटलिस्ट के 2% वाले 5 क्रिस्टल। इसमें बेसिकली आपको करना क्या है, 26 बार आपको लेजेंडरी डिफिकल्टी खेलनी पड़ेगी ये सारे लेने के लिए। अगर आप एपिक वाले सारे सोलो ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो ऐसे ही आपको 26 टाइम्स जो है एपिक डिफिकल्टी कंप्लीट करनी पड़ेगी। ऐसे ही मास्टर और हीरोइक को आपको 20-20 बार करना पड़ेगा अगर आपको ये सारे सोलो रिवॉर्ड्स चाहिए, सोलो ऑब्जेक्टिव्स वाले रिवॉर्ड्स चाहिए। तो ये होगी पूरी साइड क्वेस्ट की बात। रिवॉर्ड्स अगर हम देखें तो ठीक ठाक है, लेकिन दिक्कत इस रिवॉर्ड्स में ये है कि भाई ये चांस होने वाला है, आप किसी भी पाथ पे जा सकते हैं। अगर आप लेजेंडरी खेल रहे हैं मान लीजिए, तो आप टायर 4 क्लास कैटलिस्ट वाले में भी जा सकते हैं। अब जो केवलर और अबोव वाले हैं टायर 4 क्लास कैटलिस्ट क्रिस्टल्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत उन्हें पड़ती नहीं है, लेकिन ये चांस वाली बात है तो आप कहीं भी जा सकते हो। टोटल आपको 28 बार खेल सकते हैं क्योंकि 7 एंट्री है आपकी हर डिफिकल्टी और 4 यहाँ पे चैप्टर आने वाले हैं, और 28 में से आप सिर्फ 4 बार ही चूज कर सकते हैं कि हमें किस पाथ पे जाना है, क्योंकि 4 ही हमें की मिलने वाली है। तो काफ़ी किस्मत के भरोसे वाली बात होने वाली है, किसकी किस्मत ज़्यादा चमकती है, जिसको अच्छा पाथ मिल जाए, क्योंकि सब चांस वाली बात आ गई है। बाकी यहाँ पे स्पेशल अरीना और सोलो इवेंट, जैसे अभी शेंगची वाले साइड क्वेस्ट के साथ आए थे, ऐसे ही साइड क्वेस्ट के साथ भी आ रहे हैं, जिसमें आपको 2, 3 और 4 स्टार चैंपियंस ही यूज़ करने हैं, जिसमें कोई माइलस्टोन रिवॉर्ड नहीं, माइलस्टोन रिवॉर्ड्स ही होंगे, कोई रैंक रिवॉर्ड नहीं होंगे। तो ये अरीना आपकी चलने वाली है 1 साल तक। अरीना की फ्रीक्वेंसी इन्होंने बताई है वीकली, वीक 4 में आपकी, वीक 4 आपका 2 हफ्ते चलेगा, यानी कि हर हफ्ते आपकी एक अरीना आएगी, लेकिन जो वीक 4 में अरीना आएगी वो 2 हफ्ते चलेगी, वीक 4 भी और वीक 5 भी। तो यहाँ पे इस अरीना से आपको मिलने क्या वाले हैं, आपको आयरन टोम क्रिस्टल्स मिलने वाले हैं, जो यहाँ पे कंप्लीशन पे हम ये नीचे देख रहे हैं 150-250। जैसे इस बार की जो शेंगची वाली थी सेम वही है, आपको एक क्रिस्टल शार्ड्स जो है हैंड टू हैंड थे इस बार, ये आयरन टोम वाले आ गए हैं। तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, आप तो ग्रैंड मास्टर ओपन कर लो या केवलर ओपन कर लो, ये वही क्रिस्टल्स में जाएंगे आप क्रिस्टल वोल्ट में, वहाँ पे स्पेशल टैब्स में बाई कर सकते हैं। कहाँ कहाँ से मिलेंगे, इसे स्पेशल अरीना माइलस्टोन से, सोलो ऑब्जेक्टिव, सोलो इवेंट्स और यहाँ पे जो कैसल रिफ्ट कम्प्लीशंस हैं, इन 4 जगह से ही आप ये शार्ट्स जो हैं कमा सकते हैं। तो गाइस कुल मिला के किस्मत वाली ये है, रिफ्ट आ गई है। बाकी आपको कैसी लग रही है, क्या लग रहा है, अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे या क्या, आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ कर लीजिए, और वीडियो वगैरह शेयर कर दिया करो अपनी लाइन्स में यार, प्लीज़ काफ़ी हेल्प होती है उससे चैनल की। बाकी चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में गाइस, जय हिंद।